तो हाँ भाई, ये है आप लोगों का फेवरेट टैबलेट सैमसंग टैब A8। वैसे इसका सक्सेसर ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, A9 और A9 प्लस, लेकिन अभी भी इस टैबलेट की डिमांड काफी ज्यादा है आप लोगों में। और आप में से काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि 2024 में इसको खरीदें या ना, स्टडी वगैरह या नॉर्मल घर में यूज करने के लिए। तो मुझे लगा इस पर एक फाइनल वीडियो बनानी चाहिए। तो स्टार्ट करें कि आखिर ये बजट वाले सैमसंग टैबलेट खरीदते कौन लोग हैं। ज्यादातर लोग जो है ऑफलाइन बायर है, या फिर जिन्हें जो है सैमसंग पे काफी ज्यादा भरोसा है, मतलब कि उन्हें कोई मतलब नहीं है चाइनीज कंपनी कुछ भी निकाल रही है, उन्हें सिर्फ सैमसंग ही चाहिए, तो वो लोग जो है सबसे ज्यादा सैमसंग बजट टैबलेट को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप ये टैब A8 2024 में न्यू परचेस करने की सोच रहे हैं, फिर तो भाई रहने दो, क्योंकि इसका प्राइस 15,000 रुपए के आसपास है। इतने का तो A9 और A9 प्लस आ रहा है, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ है, तो वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ये यूज्ड या सेकंड हैंड मिल जाता है कहीं से अंडर 10,000, तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है, आप खरीद सकते हो। लेकिन इस टैबलेट में कुछ बढ़िया चीजें भी हैं और कुछ खराब भी हैं, वो आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टार्ट करूं इसका डिजाइन से, तो मुझे काफी बढ़िया लगा, पूरा मेटल का डिजाइन है यहाँ पे, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कोई बजट टैबलेट है, अच्छा खासा प्रीमियम लगता है ये टैबलेट। लेकिन अगर बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो अगर आप कंपेयर करोगे थोड़े महंगे टैबलेट या एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन से, तो डेफिनेटली ये थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको अंडर 10,000 मिल जाता है, उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया लगी मुझे। इसमें जो एक 10.5 इंच की फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली TFT डिस्प्ले है। और अगर बात करूँ इसके कलर्स की, तो वो थोड़े नेचुरल साइड पे हैं, जो कि मुझे काफी सही लगे। और इसकी अगर ब्राइटनेस के बारे में बताऊं, तो वो मुझे ओके लगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल धूप में आपको बिल्कुल तगड़ी ब्राइटनेस मिलेगी, हाँ, पर यह कि अगर आप धूप में भी अगर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, आपको दिख जाएगा अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पे कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर बजट को देखा जाए तो उस हिसाब से मैं इसकी डिस्प्ले बोलूंगा गुड। पर इसके स्पीकर मुझे बहुत तगड़े लगे, इसमें जो 4 स्पीकर हैं और स्टीरियो स्पीकर की तरह काम करते हैं, चाहे उसकी लाउडनेस हो या क्लियरिटी हो, वो मुझे काफी एक्यूरेट लगी और काफी बढ़िया लगी। और उसके अलावा आपको इसमें हेडफोन जैक भी मिल जाता है, तो अगर आप हेडफोन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन जो इस टैबलेट का सबसे वीक पॉइंट है, वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो इसमें जो प्रोसेसर है वो है यूनी SoC टाइगर T618, जो कि बिल्कुल भी हैवी टास्क नहीं कर सकता ये प्रोसेसर, यहाँ तक कि ये यूट्यूब पे भी सिर्फ फुल HD तक ही वीडियो प्ले कर सकता है। और अगर आप अलग से 4K वीडियो डाउनलोड करके डालोगे तो वो भाई नहीं चलने वाली, इसमें अटकेगी बुरी तरह। पर अगर आप बिल्कुल बेसिक यूज करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लास वगैरह या ड्रॉइंग वगैरह घर में फैमिली वगैरह के लिए, तो उस केस में मुझे यहाँ कोई भी शिकायत नहीं लगी, सारे टास्क ये जो है बड़े आराम से कर देता है। और आप चाहे तो सेटिंग्स में से इसकी एनिमेशन ऑफ कर सकते हैं, उससे ये थोड़ा ज्यादा फास्ट फील होता है। बाकी अगर बात रही इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी मैं बोलूंगा इनफ है, आपको आराम से 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। अगर आपका नॉर्मल यूजर रहता है 2-4 घंटे के आसपास का, तो आराम से 2-3 दिन निकाल लेता है टैबलेट। और इसमें जो है 15 वॉट का चार्जर आता है, जिससे आप चार्ज करोगे तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास लग जाएंगे, जो कि मतलब ठीक है, अगर बजट में मिल रहा है तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा। और यहाँ पे इसकी जो एक चीज बच जाती है, वो है इसका कैमरा। इसमें जो बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट में 5, तो भाई कैमरा इतना कौन यूज करता है टैबलेट में, फिर भी अगर आप यूज करना चाहो तो फोटोज वगैरह ठीक ठाक आ जाती हैं। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो वगैरह खींच के शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, ऑटो फोकस सही काम करता है, काफी क्लियर आ जाती है। तो बस यही था वीडियो में, आपको कैसी लगी वीडियो और आप क्या सोचते हैं इस टैबलेट के बारे में, वो जरूर बताना। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।